एंगल ए बी सी है, ठीक। और इसके अंतः जिसको इंटरनल आप बायसेक्टर करते हैं, तो इंटरनल बायसेक्टर करेंगे तो ये होगा, ठीक। और एक्सटर्नल बायसेक्टर करेंगे तो एक्सटर्नल बायसेक्टर दोनों प्रॉपर्टीज बताए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी। तथा बाह्य समद्विभाजक दोनों कर दिए, इंटरनल बायसेक्टर भी कर दिए, ये आपका इंटरनल बायसेक्टर हुआ, ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल बायसेक्टर होगा। तो जब बायसेक्टर करते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होता है, समान होता है, समान भाग में बांटता है। जब चाहे एक्सटर्नल करे या इंटरनल बायसेक्टर करे तो ये दोनों समान भाग में बांटेगा, ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि आंतरिक समद्विभाजक को इंटरनल बायसेक्टर तथा बाह्य समद्विभाजक को एक्सटर्नल बायसेक्टर, तो ये आपका क्या हो गया, बी ओ सी। अंदर अंतः कौन हो गया, बी ओ सी, और ये क्या हो गया, बाय हो गया, बायसेक्टर हुआ, ये एक्सटर्नल बायसेक्टर हुआ। एक्सटर्नल बायसेक्टर के द्वारा कौन कौन बना, बी पी सी। तो ये दोनों कोण का योग क्या कहता है, दोनों बने कोण संपूरक होता है, अर्थात दोनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब अंतः कोण बी ओ सी, ये अंतः कोण हो गया, और ये क्या हो गया, बाह्य हो गया। तो बाह्य कितना है, बी पी सी, दोनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, राइट, 180 डिग्री होता है। इसको आप क्या करिए, याद कर लीजिए, प्रॉपर्टीज तो हर हालत में याद रखनी होगी, चाहे प्रैक्टिस करके रखिए चाहे आप जैसे याद रखिए, ठीक है। बिना प्रॉपर्टीज का आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन है इस पर बेस क्वेश्चन है, मतलब इंटरनल बायसेक्टर होगा और एक्सटर्नल बायसेक्टर के द्वारा जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल, ये इंटरनल है और ये क्या है, बायसेक्टर, ये दोनों एंगल, मतलब दोनों कोण का योग कितना डिग्री है, 180। इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आइए। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र से एंगल BPC का मान ज्ञात करें, BPC का मान ज्ञात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण जो है दोनों का, अभी तुरंत प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। BOC और प्लस BPC, ये दोनों कोण का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 180। उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, BOC प्लस BPC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और BOC कितना डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री प्लस BPC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BPC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। BPC निकालने बोल रहा है, ये निकालने बोल रहा है एंगल, ठीक है, ये एंगल फाइंड करने बोल रहा है, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल आपने कितना निकाल लिया, 60 डिग्री, यही तो फाइंड करने का रहा था, ठीक है, राइट डाउन।